बॉलीवुड में जाह्नवी कपूर और ईशान खट्टर ने धड़क के साथ कदम रख दिया है। जी हाँ, जाह्नवी और ईशान की फिल्म धड़क हाल ही में रिलीज हो चुकी है और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार एंट्री मारी है। धड़क ने बॉक्स ऑफिस पर महज 2 दिनों में 19 करोड़ 75 लाख का कारोबार किया है। वहीं लग रहा है कि फिल्म 100 करोड़ का आंकड़ा बहुत जल्द पार कर लेगी। तो वहीं धड़क की सक्सेस से जाह्नवी और ईशान की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं है। रिसेंटली जब धड़क की सक्सेस पर जाह्नवी कपूर से सवाल पूछा गया तो जाह्नवी ने बेबाकी से कहा, मुझे नहीं लगता कि मैं अभी स्टार हूँ, मैं बस एक कलाकार बनने की कोशिश कर रही हूँ। जाह्नवी पहले भी कह चुकी हैं कि वो सिर्फ एक अच्छी कलाकार बनना चाहती हैं, स्टार तो हर कोई बन जाता है। वेल, बता दें कि फिल्म में जाह्नवी को खूब तारीफें मिल रही हैं। इस फिल्म ने पहले ही दिन सबका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दरअसल ये फिल्म अब तक की यंग स्टार यानी न्यू कमर की फिल्मों में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। यहां तक कि जाह्नवी ने आलिया भट्ट की फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर को भी पीछे छोड़ दिया है। इस फिल्म में श्रीदेवी की लाडली बेटी की जमकर तारीफ हो रही है। धड़क को शशांक खेतान ने डायरेक्ट किया है तो वहीं करण जौहर के प्रोडक्शन में बनी है ये फिल्म। ये फिल्म मराठी फिल्म सैराट की रीमेक है। फिलहाल देखते हैं कि जाह्नवी का नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या होता है। बॉलीवुड की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हमारे चैनल को और सब्सक्राइब करना बिल्कुल। बॉलीवुड में जाह्नवी कपूर और ईशान खट्टर ने धड़क के साथ कदम रख दिया है। जी हाँ, जाह्नवी और ईशान की फिल्म धड़क हाल ही में रिलीज हो चुकी है और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार एंट्री मारी है। धड़क ने बॉक्स ऑफिस पर महज 2 दिनों में 19 करोड़ 75 लाख का कारोबार किया है। वहीं लग रहा है कि फिल्म 100 करोड़ का आंकड़ा बहुत जल्द पार कर लेगी। तो वहीं धड़क की सक्सेस से जाह्नवी और ईशान की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं है। रिसेंटली जब धड़क की सक्सेस पर जाह्नवी कपूर से सवाल पूछा गया तो जाह्नवी ने बेबाकी से कहा, मुझे नहीं लगता कि मैं अभी स्टार हूँ, मैं बस एक कलाकार बनने की कोशिश कर रही हूँ। जाह्नवी पहले भी कह चुकी हैं कि वो सिर्फ एक अच्छी कलाकार बनना चाहती हैं, स्टार तो हर कोई बन जाता है। वेल, बता दें कि फिल्म में जाह्नवी को खूब तारीफें मिल रही हैं। इस फिल्म ने पहले ही दिन सबका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दरअसल ये फिल्म अब तक की यंग स्टार यानी न्यू कमर की फिल्मों में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। यहाँ तक कि जाह्नवी ने आलिया भट्ट की फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर को भी पीछे छोड़ दिया है। इस फिल्म में श्रीदेवी की लाडली बेटी की जमकर तारीफ हो रही है। धड़क को शशांक खेतान ने डायरेक्ट किया है तो वहीं करण जौहर के प्रोडक्शन में बनी है ये फिल्म। ये फिल्म मराठी फिल्म सैराट की रीमेक है। फिलहाल देखते हैं कि जाह्नवी का नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या होता है। बॉलीवुड की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हमारे चैनल को और सब्सक्राइब करना बिल्कुल।